राइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। तो अभी हम आए भूषक का एग्ज़ाम लेने और मेरे आसपास सब स्टूडेंट बड़े हुए हैं। मैंने मास्क पहन के रखा है। इतने लोग आए हुए हैं, मेरे को नहीं पता था कि इतने लोग आने वाले एग्ज़ाम लेने। और सबके फेस पे दिख रहा है कि सब ने तैयारी करके आए। मैं ये कैसा हूँ जो यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि करना क्या है एग्ज़ाम में, कुछ नहीं करके आया हूँ। देखते हैं आगे क्या होता। बहुत स्टूडेंट आया। ऐसे यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं कि इन सबको देख के ऐसा लग रहा है, मतलब ये सब एक ग्रुप में आए हुए हैं और टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि मेरा ये टॉपिक रह गया है, ये टॉपिक कर रहा हूँ। सब लोग बुक खोल के बैठे हुए हैं, सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। मैं ये कैसा यहाँ पे हूँ जो सोच रहा हूँ कब एग्ज़ाम ख़त्म होगी, कब एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाएंगे, क्या होगा, अलग ही सीन चल रहा है। सबको देख के ऐसा लग रहा है कि सब इतने पढ़ के आए हैं, मैं क्या बताऊँ। सबके फेस पे दिख रहा है मेरे को किसका कितना चैप्टर हुआ है। बस मैं ही एक साइड में बैठा हुआ हूँ और ऐसे आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ सही, बोलना कैसा क्या पेपर। कैसा क्या बोल, तेरा कैसा क्या भाई, ये भी नहीं देख। ऑल राइट गाइस, तो अभी जस्ट मैं घर पे आया हूँ, पूरी तरीके से थक गया हूँ। और क्या सीन हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं गुसेट का एग्ज़ाम हमारा कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पेपर कंप्लीट हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री। तो इतना कुछ खास नहीं गया वो मेरा, मतलब कोई भी पेपर खास नहीं गया है वैसे तो। तो मैं वहाँ से निकला भाई। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, बहुत मेन चीज़ है। हम लोग ना एक क्लास में बैठे थे, मेरी क्लास में सारी गर्ल्स, मैं अकेला बच गया। तो पहले से ही मैं ऐसे थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील कर रहा था, पर कोई बात नहीं। पर मेरे क्लास में ना सब, मतलब वो जो सीट्स होती है, मतलब जो जो गर्ल्स थी वो सब रैंडम थी। कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं पर ऐसा कोई चांस नहीं होता है कि वो कॉमन फ्रेंड होंगे। पर जब फर्स्ट पेपर कंप्लीट हुआ वो लोग सब बाहर आए। तो इतना कुछ किसी ने खास डिस्कस किया नहीं या नोटिस नहीं किया होगा मैंने। जब ना पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर हुआ, फिर हुआ बायो का पेपर। तो जब सेकंड पेपर कंप्लीट हुआ ना, तो सारी गर्ल्स बाहर निकली हमारी क्लास की और सब एक दूसरे से डिस्कस करने लगी कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया, ये अटेम्प्ट किया। मतलब आप देख रहे हो वो क्या बोलते हैं उसको, यूनिटी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी डेवलप है। मतलब ये लोग एग्ज़ाम देने जस्ट गए ही हैं और इनकी फ्रेंडशिप भी होगी। मैंने वहाँ तक सुना कि एक लड़की बोलती है, पहले पूरा बात कर लेते हैं कि मैंने इतने का अटेम्प्ट किया, इतने छोड़े, 36 अटेम्प्ट किए, वॉट में से, और मेरे को 3 का ऐसे रिस्क है, मतलब 3 रॉन्ग हो सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ बात कर रहे थे। फिर उसने बोला कि फिर लास्ट में दोनों का बात हुआ, उसके बाद बोलते हैं कि तेरा नाम क्या है, तो बोलते हैं दिया। फिर वो सामने वाली का भी कुछ नाम होता वो भी बोलते हैं। मेरे को इतनी हंसी आती है कि दोनों एक दूसरे का नाम नहीं जानते पर बातें फुल कर रहे हैं, मतलब डिस्कस फुल कर रहे हैं। मैंने बोला ऐसी यूनिटी होनी चाहिए, लड़कों में भी होनी चाहिए। और गुसेट का एग्ज़ाम कुछ इतना खास नहीं गया, आपने देखा ही होगा, आप लोगों ने किसी ना किसी ने तो दिया ही होगा, आप में से भी जो मेरा वीडियो देख रहे हो। और आपका अच्छा गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे जैसा ही हाल होगा आपका भी।